प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों के साथ स्वनिधि संवाद, कहा इस योजना से ब्याज से पूरी तरह से मिल सकती है मुक्ति। कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई करने में पीएम स्वनिधि योजना बनेगी मददगार। राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों को व्हिप किया जारी। भाजपा ने 14 सितंबर को सांसदों को सदन में उपस्थित रहने को कहा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने तस्करी की बड़ी कोशिश को किया नाकाम। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने 2 हथियारबंद तस्करों को मार गिराया। तलाशी के दौरान हथियार, पाकिस्तानी करेंसी और 8 किलो नशीला पदार्थ हुआ बरामद। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर और में पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। दोनों आतंकी एक ट्रक में हथियार और गोला बारूद भरकर ले जा रहे थे कश्मीर, उनसे बड़ी मात्रा में हथियार किए गए बरामद। अवैध निर्माण का हवाला देते हुए मुंबई स्थित कंगना रनौत के दफ्तर पर चली बीएमसी की जेसीबी। अभिनेत्री की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक। विवादों के बीच अभिनेत्री कंगना रनौत को मिला करणी सेना का समर्थन। शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती की रात गुजरी हवालात में। 22 सितंबर तक एनसीबी ने रिया को भेजा भ्याखला जेल। बीते 24 घंटों के दौरान देश भर में हुए 11,54,549 कोविड टेस्ट। देश में टेस्टिंग लैब बढ़कर हुई 1,678, जिनमें 1,040 सरकारी और 638 निजी लैब शामिल। अमेरिका की एस्ट्राजेनेका कंपनी द्वारा बनाई जा रही कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के दौरान एक व्यक्ति हुआ बीमार, कंपनी ने परीक्षण पर लगाई रोक। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा T20 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता। जीत के साथ ही T20 रैंकिंग में दोबारा पहले पायदान पर पहुंची ऑस्ट्रेलियन टीम। अंतिम मैच में हार के बावजूद भी इंग्लैंड ने 2-1 से जीती सीरीज।